प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए स्वागत करते हैं। आज हम एक नए विषय में प्रवेश करेंगे। आज का विषय है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। भजन संगीता इसका 21वां अध्याय 3रा वचन। इस विषय में दो मेन विषय होगा। एक है मर्दखाय पर मुकुट, उसके बाद पांच मुकुट उसी के विषय में हम देखेंगे। और वो पांच मुकुट जो है उसमें पहला है सार्वकालिक जीवन या अनंत जीवन, दूसरा है आत्मा बचाने के विषय में, तीसरा है रखवाले, चौथा है परीक्षा और क्लेश से मारा जाए, और पांचवा जो है मसीह का आगमन। तो ये पांच मुकुट उन लोगों को प्राप्त करेंगे, तो उसी के विषय में भी हम देखेंगे। तो इस विषय में प्रवेश करने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा में बुद्धि ज्ञान समझ दे उसके पवित्र कलाम समझने के लिए। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया खुदावन यीशु मसीह, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते कि फिर एक बार प्रभु आपने हमें अवसर मौका दिया आपके पवित्र वचन प्रचार करने की। विशेष करके आज के विषय के लिए प्रार्थना करें, जो रोटी तोड़ेंगे प्रभु हमारे समझ को खोल, तेरी आत्मा से प्रकाशित कर ताकि हम समझ कर तुझे आदर करें, सम्मान करें, और जितने हम समझे हम घटे आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। हर शैतान के हल्ले से हमें बचा और जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए हमें मदद कर। सबों को आशीष कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर। छोटी सी विनंती खुदावर यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है, ये दाऊद के विषय में कहा गया। भजन 21वां अध्याय 3रा वचन, साम्स 21:3। इसमें पहला जो विषय हम मर्दखाय पर मुकुट, उसी के विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। उसके बाद पांच मुकुट के विषय में भी हम खुदा के पवित्र कलाम से हम देखेंगे। तो ये जो वर्ड मुकुट है इब्रानी में ये है तारा, इब्रानी में तारा कहते हैं। ये है उत्सव के प्रतीक के रूप में सिर पर रखा जाता है। कोई उत्सव सेलिब्रेशन इसी के लिए सिर के ऊपर जो मुकुट पहना जाता है उसी के विषय में है तारा का मतलब। तो यूनानी भाषा में स्टीफानोस है, विजय के विजय या सम्मान के संकेत के रूप में ये मुकुट पहना जाता है। तो ये है ये मुकुट का अर्थ जो हमने हिब्रानी में और यूनानी भाषा में देखा। अब हम कुछ वचनों को देखेंगे। एस्तर की पुस्तक 6वां अध्याय 7 और 8 वचन, बुक ऑफ एस्तर चैप्टर 6:7-8। यहाँ पे राजा को उत्तर दिया जिस मनुष्य की, ये हिमान ने उत्तर दिया जब राजा ने उनसे पूछा गया, तो राजा को उत्तर दिया जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र लाए वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट दारा जाता है वो भी लाया जाए। तो ये तीन चीज था अगर किसी को प्रतिष्ठा करना है, और ये तीन चीज में जो मुख्य चीज था राजकीय मुकुट। तो ये राजा ने जब पूछा गया तो हेमान जो वहां पे मुख्य था उन्होंने ये बात कहा गया। अब हम एस्तर की किताब 8वां अध्याय 15 वचन जब पढ़ता है तब वहां पे लिखा है तब मर्दखाय नीले और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट
डरे हुए और सुशाम सुन और बैंजनी रंग का बागा पहना हुआ वे राजा के समुख से निकला और सुशाम नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। तो यहाँ पे जब मोर्देखाय राजा के समुख से सब निकले तब वहां पे लिखा है कि उनके सिर के ऊपर बड़ा मुकुट पहना गया और सभी लोगों ने उनको देखकर ललकारा। तो ये मोर्देखाय के ऊपर मुकुट पहना गया जब राजा ने हेमान के जगह पे इनको वहां पे नियुक्त किया गया, इसलिए इस वचनों को हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। अब हम पांच मुकुट के विषय में देखेंगे। ये पांच मुकुट किनको प्राप्त होता है उसी के विषय में हम देखेंगे। पहला है सार्वकालिक जीवन को कोई अगर मानता है कि अनंत जीवन, तो उन्हें एक मुकुट दिया जाएंगे, इसलिए हम उसी के विषय में कई वचनों को देखेंगे। सार्वकालिक जीवन या अनंत जीवन, जैसे हम प्रकाशित वाक्य 3:11 रेवलेशन चैप्टर 3:11 वहां पे लिखा है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। तो प्रकाशित वाक्य 3:11 में फिलाडेल्फिया मंडली से लिखा गया, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। तो वचन में लिखा है कि जो कुछ तेरे पास है क्या है उसी को हम वचन से देखेंगे। तो पहली तिमोथियोस 6:12 वचन, 1 Timothy 6:12 यहां पे लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धारे ले, अनंत जीवन को धार ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गांवों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। तो आज वचन में लिखा है कि ये अनंत जीवन को धार ले। तो अनंत जीवन जो है वो मुख्य चीज है और वो उसी के विषय में यहां पे परमेश्वर के दास पौलुस तिमोथियों को लिख रहा है। इसलिए पहली तिमोथियों 6:19 वचन में भी लिखा है, 1 Timothy 6:19 और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखिए कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। ये सच्चे जीवन जो है ये आनंद काल के जीवन या सार्वकालिक जीवन, इसी को बाइबल में लिखा है वश में कर ले। तो आज हमने जो आनंद काल के जीवन वश में किया है वही हमने देखा कि फिलाडेल्फिया मंडली से लिखा गया, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख कि कोई ये आनंद काल के जीवन तुमसे न ले जाए। इसलिए यूहान की शुभवर्तमान 10:27-28 John 10:27-28 वहां पे लिखा है, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। तो आज खुदा ने सब भेड़ों को अनंत काल की जीवन जो उनको मानते हैं उनको दिया है। तो ये जो अनंत काल के जीवन है जिसको कोई शुरुआत नहीं अंत नहीं, ये जीवन जो मसीह ने हमें दिया है क्योंकि मरने के बाद एक जीवन है, इसलिए आज यहाँ पे सबको समाप्त नहीं होता है, मरने के बाद भी एक जीवन है वो अनंत काल के जीवन। और ये जो है सार्वकालिक जीवन या अनंत जीवन, इसी को हम थामे रखें ताकि उसी के द्वारा प्रभु हमें एक मुकुट देंगे। तो ये अनंत काल के जीवन मानने से प्रभु हर एक को एक मुकुट देता है। तो ये है पहला मुकुट, पांच में से हमने देखा ये। दूसरा है आत्मा बचाने के विषय, इसी के विषय में भी परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्थी मंडली को समझाते टाइम कई वचनों को लिखा गया, उसी को हम पढ़ेंगे। ये पहली कुरिन्थियों की किताब 9:25 में लिखता है,
हर एक पहलवान सब प्रकार के प्रकार का संयम करता है, वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम जो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। तो ये आगे हम 16 से 24 वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर की दास पौलुस आत्मा बचाने के विषय में वो कई बातों को वहां पे लिखा है। तो उनकी बहुत इच्छा था कि कहीं ना कहीं कोई अवसर से कोई आत्मा को बचा ले। तो इसलिए दुनिया में जो भी लोग हैं, जो भी मुकुट पाते हैं, ये सब मुरझाने वाले हैं, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है, लेकिन हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो लिखा है कि मुरझाने का नहीं। तो इसलिए ये मुकुट के लिए हमें परिश्रम करना है, आत्मा बचाना एक आशीषमय काम है। इसलिए नीति वचन 11:30 में लिखता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11:13, बुद्धिमान मनुष्य लोगों का मन को मोह लेता है, मतलब हिदर पिनते सोल इज वाइज। तो कोई अगर आत्मा जीतता है वो बुद्धिमान है करके लिखा है। तो इसलिए ये मुख्य चीज है कि आत्मा कमाना, और इसलिए खुदा के दासों ने बहुत से सेवकाई किए, उसमें एक मुख्य था पॉल। और पौलुस ये करता है, जैसे पहली कुरिन्थियों की किताब 14:15-16 में लिखता है, 1 Corinthians 4:15-16, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीहा यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूं, इसलिए मैं तुम्हें तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। क्योंकि परमेश्वर के दास पौलुस ये कुरिन्थ जो जगह था वहां पे जाकर सच्चाई को प्रचार किया, लोगों को समझाया, अंधकार से लोगों को बाहर ले आए, सच्चाई के मार्गों में ले आए, यीशु मसीह का पहचान दिलाया और काफी लोगों को सच्चाई की ओर ले आए। इसलिए पॉल कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूं क्योंकि तुमको मैंने मसीह में पैदा किया है। इसलिए पहली कुरिन्थियों की किताब 3:6 में लिखता है, 1 Corinthians 3:6, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बनाया। तो ये एक लगाता है, दूसरा सींचता है, पानी मारता है, और परमेश्वर उसे बढ़ाता है, खड़ा करता है। तो इसलिए ये कार्य जो है, सभी शिष्य लोग ने जाकर इस नाम को प्रचार किया और जो लोग अंधकार के अंदर थे उनको सच्चाई के मार्ग में ले आए, बहुत से आत्माएं मसीह की ओर मुड़ाए। तो इसलिए ये करने से एक मुकुट प्राप्त होता है। इसलिए यूहन्ना की शुभवर्तमान 15 अध्याय भी जब हम पढ़ेंगे वहां पे 3 मुख्य चीज लिखा है, एक है फल, दूसरा है और फल, इंग्लिश में लिखा मोर फ्रूट, फ्रूट मोर फ्रूट, और 8वें वचन में बहुत से फल, वो है मच फ्रूट। तो जैसे कुरिन्थियों के अंदर पौलुस जब गए तो वहां पे बहुत से फल उनको प्राप्त हुआ, लोग सच्चाई को जानने लगे, काफी लोग प्यासे भूखे थे, उन लोग ने सच्चाई को जाना, पौलुस जाके काफी आत्माओं को बचाए, सच्चाई की ओर ले आए, और इसलिए ये लोग उनका फल रहा। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ क्योंकि तुमको मैंने मसीह में पैदा किया और उनको सच्चाई की ओर ले आए। तो इसलिए ये दूसरा मुकुट लोगों को मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। पहला हमने बताया सार्वकालिक जीवन मानने से मुकुट मिलता है, दूसरा है आत्मा बचाने से मुकुट प्राप्त होता है, तीसरा जो मुकुट है वो रखवाले के लिए। तो इसी के विषय में भी हम कई वचनों को देखेंगे। पहली पत्रोस इसका 5:14, 1 Peter 5:4, यहां पे लिखा है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट
दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। तो बाइबल के अंदर लिखा है जब प्रधान रखवाला वो है खुदावन यीशु मसीह, वो जब प्रकट होगा तो बाइबल में लिखा है तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। तो जो भी सेवकाई कर रहे उनके लिए दिया जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में जब पढ़ता है तो वहां पे एक एल्डर के लिए लिखा है। एल्डर भी मतलब सेवक लोग है, रखवाले है। क्योंकि पहला तिमोथी 5:17 1 Timothy 5:17 यहाँ पे लिखा है जो प्राचीन एल्डर जो है प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दो गुना पुने आदर के योग्य समझे जाए, दो गुने तो डबल ब्लेसिंग है। इसलिए यहाँ पे ये वचन लिखा गया। तो परमेश्वर की दास पौलुस तिमोथी को लिखा हुआ वचन है। इसलिए जो भी प्राचीन है वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं उनको दो गुना आशीष परमेश्वर देंगे, और उसमें से हमने देखा कि उनको मुकुट भी वो मुकुट प्राप्त किया जाएंगे। यिर्मयाह की किताब 3:15 में लिखता है, Jeremiah 3:15 मैं तुम्हें अपने मन की अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। तो आज परमेश्वर स्वयं चराने के लिए ऐसे चरवाहों को खड़ा करता है जो बुद्धि और ज्ञान से उन्हें जो उनके भेड़ है उनको चराएंगे। तो इसलिए आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, इसलिए क्योंकि उनको परमेश्वर एक मुकुट देने वाला है। इसलिए हमने ये वचनों को देखा। यिर्मयाह की किताब 10:21 यहाँ पे लिखा है क्योंकि चरवाहे पशु सरीखा सरीखे है और वे यहोवा का नहीं पुकारते, यहोवा को नहीं पुकारते, इसके कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़े तितर बितर हो गई है। तो यहाँ पे बाइबल के अंदर लिखा है वो परमेश्वर से पुकारते नहीं, पूछते नहीं और पशु के समान है, मतलब मूर्ख है, और इसी की वजह से सब भेड़ तितर बितर हो गए, वचन बता रहा है। इसलिए आज ये काम हमें करना नहीं है, लेकिन हम ज्ञान और बुद्धि से परमेश्वर की भेड़ों को चराना है। और भी यिर्मयाह नबी लिखता है 12:10 Jeremiah 12:10 बहुत से चरवाहों ने मेरे दाख की बारी को बिगाड़ दिया। ये दाख की बारी जो इज़राइल थे, तो आज वो मंडली भी है, लिखा है कि उन्होंने मेरे बाप को लथाड़ा, वरन मेरे मनोहर बाप के खेत को सुनसान जंगल बना दिया है। तो ये जंगल बना दिया है क्योंकि सेवक लोग जिस तरफ से कार्य करना था किया नहीं, इसी की वजह से ऐसे परिस्थिति यहाँ पे दिखने में आ गए। इसलिए यिर्मयाह नबी लिखता है बहुत से चरवाहों, थोड़ा नहीं, बहुत से मतलब अनगिनत चरवाहों ने मेरे दाख की बारी को बिगाड़ दिया है। तो आज जो सेवा करना था, शुरू में बहुत से लोग अच्छे दर्शन थे, लेकिन कुछ समय के बाद दर्शन चले गए और जो कार्य करना था नहीं किया, और जो दर्शन दिया गया उसी में टिका नहीं। तो ये सारे चीज दिखने में आएंगे। तो इसलिए ये बात को हमें ख्याल करना है, और इसलिए क्योंकि अगर हम सेवकाई ठीक से नहीं करेंगे तो मुकुट चले जाएंगे, इसलिए ये वचनों को यहाँ पे आपको बताया। इसलिए यहाँ पे यिर्मयाह नबी काफी वचनों को लिखा गया और वही वचन हमने देखा गया, लेकिन आज परमेश्वर ऐसे चरवाहों को ढूंढ रहे जो ज्ञान और बुद्धि से भेड़ों को चराएंगे। तो ये परमेश्वर का इच्छा। इसलिए नए करार के अंदर भी खुदावन यीशु मसीह ने स्वयं पत्रों से कहा गया कि मेरे मेमना को दो बार और मेरे मेमना को एक बार और मेरे भेड़ों को दो बार चराने के लिए कहा गया। यूहन्ना की शुभवर्तमान आखिरी अध्याय में लिखा गया। तो इसलिए परमेश्वर की बहुत बड़ी इच्छा है कि
भेड़ों को चराए और वचन से वचन मिलाकर बताना है, अपनी बुद्धि ज्ञान अपनी समझ से नहीं, किताबों से नहीं, लेकिन आत्मा की प्रेरणा से हमें वचन बताना है, वचन से वचन मिलाकर हमें लोगों को बताना है, ताकि लोग आत्मिक बने शारीरिक नहीं। तो ये है तीसरा जो मुकुट के विषय में हमने देखा, जो भी रखवा ले वो ये मुकुट प्राप्त कर सकते हैं। चौथा जो है परीक्षा और क्लेश से मारा जाए। तो कई बार बहुत से लोग परीक्षा और क्लेश से, कुछ लोग गाती हुए उनको भी एक मुकुट है, इसलिए कुछ वचन हम देखेंगे। जैसे याकूब की किताब पहला अध्याय 12 वचन, जेम चैप्टर 1 वर्स 12, यहाँ पे लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो जो भी परमेश्वर को प्रेम करता है तो उनको परमेश्वर ने कहा गया कि ये परीक्षा में अगर हम स्थिर रहेंगे तो उन्हें ये मुकुट प्राप्त हो सकता है। और प्रकाशित वाक्य 2:10 में दूसरा जो मंडली है, स्मरणा मंडली को लिखा गया, प्रकाशित वाक्य 2:10, रेवलेशन चैप्टर 2:10, यहाँ पे लिखा है, जो दुख तुझको झेलना होगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो जीवन का मुकुट दूंगा, उसी अध्याय में 13 वचन में लिखा है, मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, और तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी एंटिपस तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। तो ये तीसरा मंडली को लिखा गया, वो है पर्गामोस मंडली को लिखा गया। तो यहाँ पे परमेश्वर के विश्वास योग्य साक्षी एंटिपस जिनका वहां पे घात हुआ, क्योंकि इन्होंने काफी क्लेश काफी परीक्षा में होकर उनका घात हुआ, तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर उनको भी एक मुकुट देगा। तो ये वचन के आधार पर हमें यहाँ पे देखा गया। तो ये है चौथा मुकुट, जो मार्टरडम, जो क्लेश और परीक्षा के द्वारा मारा गया उनके लिए। पांचवा जो है मसीह के आगमन भी, अगर हम विश्वास करते उनके लिए भी एक मुकुट है, इसलिए हमें बाट जोते रहना है मसीह के आगमन के लिए, द कमिंग ऑफ क्राइस्ट। और इसी के विषय में भी हम कई वचनों को देखेंगे। दूसरी तिमोथियस 4:8 वचन लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबों को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानता है। तो कोई भी अगर प्रकट होने का प्रिय जानता है उनको भी ये मुकुट प्राप्त होगा खुदावन यीशु मसीह के आगमन के। और भी कुछ वचनों को हम देखेंगे, तीतुस की किताब 2:13 वचन, टाइटस चैप्टर 2:13, यहाँ पे लिखा है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। तो ये प्रकट होने की बाट जोते रहे, तो उन्हीं को भी एक मुकुट प्राप्त हो सकता है। इब्रानी के किताब 9:28 में भी लिखा है, जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए
हुए दिखाई देगा। तो बाइबल के अंदर लिखा है, ये सारा वचन हमने देखा गया, ये मसीह के आगमन के विषय में, अगर हम मसीह के आगमन के विषय में भी अगर विश्वास करते तो उन्हें एक मुकुट प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने पांच मुकुट के विषय में हमने देखा। पहला है अनंत काल की जीवन, जिनको प्राप्त हुआ है उनको एक मुकुट है, आत्मा बचाने से मुकुट है, रखवाले के काम करेंगे तो मुकुट है, परीक्षा और क्लेश में अगर मारे जाए तो उन्हीं के लिए भी एक मुकुट है, और पांचों हमने देखा मसीह के आगमन, द कमिंग ऑफ क्राइस्ट, मसीह के आने के विषय में अगर हम बात जोते रहेंगे तो उन्हें भी एक मुकुट प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए आज हमने इस विषय में देखा गया कि कैसे परमेश्वर ने मोर्देखाई को राजा ने मुकुट पहना गया, और ये सारी चीजों को हमने वचन से देखा। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपके ऊपर दया करे, अनुग्रह करे, और आप भी इसमें से कई मुकुट प्राप्त करने के लिए प्रभु आपको भी तैयार करे, ताकि यहाँ पे अगर हमें कुछ नहीं है लेकिन हम जब स्वर्ग जाएंगे तो वहां पे परमेश्वर हमें इस मुकुट को प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें सहायता करेंगे। तो इसलिए हम लोग जब इस धरती में सेवकाई करें ताकि उसी के द्वारा उस मुकुट को हम प्राप्त कर सकेंगे। तो हम विदा होने से पहले हम उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे जो आज बीमार है, दुखी, अलग अलग समस्या में है, उनके लिए हम दुआ प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते। फिर एक बार प्रभु आपने हमें मौका समय दिया आपके वचन प्रचार करने के लिए। जो भी वचन आज प्रचार किया गया प्रभु मुकुट के विषय में, सबको समझ ज्ञान बुद्धि दे, ताकि लॉर्ड सेवकाई कर मुकुट प्राप्त कर सके और आपके नाम की महिमा हो सके। विशेष करके आज प्रभु जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में फंसे उन सभी के लिए प्रार्थना करें, सभी के ऊपर दया कर। आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने वायु और लोह से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर उनके विश्वासों को बढ़ा, उन्हें शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत दे और तेरे मार्गों में उन्हें चला कर। आपने हमारी विनंती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार मैं खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहता हूं, और आप सब को भी, कि परमेश्वर के पवित्र कलाम आप सुन रहे, प्रभु आप सब को आशीष करे, आशीर्वाद करे, और खुदा के कलाम पढ़ते रहना, ताकि हम जो भी गुप्त बातें वचन से समझ सकेंगे और सारा आदर सम्मान खुदावन यीशु मसीह को हम दे सकेंगे। प्रभु आप सब को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।